हम लोग अभी हमारे होटल में चेक इन करके और ऊपर आए हैं। रूम नंबर हमें मिला 28 और सेकंड फ्लोर पे है और सिंपल सा रूम है, बेसिक रूम है। बेसिकली हम लोगों ने ये इसलिए सेलेक्ट करा था क्योंकि इनिशियली हमें आज एक तो हमें ट्रेन की एक्सेसिबिलिटी चाहिए थी 2 दिन के लिए, स्पेशली आज और कल के लिए, क्योंकि ट्रेन स्टेशन जस्ट इस होटल के सामने जैसा हमने आपको बताया, और एकदम फुल आप बाहर जाओ और आपको एकदम पूरा इधर आसपास अच्छा मार्केट भी है। क्योंकि आज अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं जी स्टार्ड, जहाँ पे है बॉलीवुड की जबरदस्त दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे सीन शूट हुए थे और जहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्टे करते हैं। तो एक छोटा सा टाउन है जो यहाँ से इंटरलेकन से 1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी पे, तो हमें स्पेशली आज वो कवर कर लेना था क्योंकि हमारे पास आज फुल डे नहीं है, 2:30 बज चुके हैं यहाँ पे दोपहर के। तो कल हम जहाँ जाने वाले वो हम आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग में। मैं और आरती हम हमारे रूम से फ्रेश होके आ गए हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स टू अवर नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ स्विस ट्रिप। और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ पे सामने हमारे रेलवे स्टेशन है और यहाँ इतना अच्छा लग रहा है। हम सिर्फ बाहर निकले, हम स्टोर पे गए, थोड़ा हमने ऐसे ही ना वाटर और थोड़ा सा बोतल लिया पानी का, और इतना अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। आपको मैं आप वो ऊपर की तरफ देखिए, वहाँ पे इतने सारे पैराग्लाइडिंग हो रहे हैं, वो देखिए आप आरती। लिटरली यार ये जगह बहुत खतरनाक है। चले आरती, चलो फिर। हम सामने हमारी ट्रेन स्टेशन हमारे सामने ही है और हमारा होटल इस तरफ ही है, तो हम लोग है ना बस एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। तो हम लोग स्पेन करके जगह पर आ गए और अब हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। हमने ट्रेन चेंज करी है, हम अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे थे और प्लेटफॉर्म 5 पे ट्रेन आई, और ट्रेन देखिए पूरी की पूरी खाली है, कोई ना आगे ना कोई पीछे हमारे, ये ट्रेन ऐसे ही खड़ी हुई है। इसका टाइम क्या है, अभी 10 मिनट बाद निकलेगी है यहाँ से। तो चलो हम वहाँ पे चलते हैं जिसमन। जिसमन में भी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि है ना, कुछ कुछ शॉट्स थे बहुत शानदार वाले शूटिंग के, और जिसमन के बाद हम जाएंगे हाँ जी स्टार्ट। तो ये मैं और आरती अभी हम लोग जा रहे हैं जिसमन, और आप सीनरी देखिए इधर की, दिस इज कॉल्ड एज पिक्चर परफेक्ट स्विट्जरलैंड, जो आप हमेशा पोस्टर्स में देखते हो, और इतना मज़ा आ रहा है ना आरती, लिटरली ये देखिए आप क्या मस्त लग रहा है एकदम। ये अभी कोई स्टॉप आया है वापस से दास टेटन। अच्छा ये सब जर्मन और ऐसे वर्ड्स होते हैं इसलिए पता नहीं लगता है। मजा आ रहा है ना आरती। हम लोग ज्विजेमन करके जो जगह है वहाँ पे पहुँच गए और अब हम जा रहे हैं जी स्टार्ट। तो हमने ट्रेन चेंज करी और ट्रेन कितनी जबरदस्त सुंदर है वो हम आपको बताते हैं। इस ट्रेन का नाम गोल्डन पास ट्रेन है, ये मॉन्ट्रियल तक जाती है, तो हम तो जी स्टार्ट तक जाएंगे। 35 मिनट्स की जर्नी है और इतनी अलग टाइप का मज़ा आ रहा है ना अलग अलग ट्रेन में बैठने का। और ये ट्रेन कोई डबल डेकर है, कोई सिंगल है, कोई ये देखिए आप कैसा एकदम हमारे सामने टेबल अलग ही लेवल का होगा, मज़ा आ रहा है एकदम बहुत।
स्टार्ट से सिर्फ एक स्टॉप पहले रुके हैं व्यूअर्स। तो ये हमारी ट्रेन है और ये है गोल्डन पास करके ट्रेन, और आप इसका इंटीरियर तो देख ही रहे होंगे। ऐसा लग रहा हमारी आंखों में इतनी नींद भरी आपको लग ही रहा होगा, और तो भी हम लोग है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस, मतलब ये जो पूरी सीनरी है ना, ऐसा लगता है कि बस इसको आंखों में और आती जाए आरती। सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसे लगता है कि देखते ही रहे। तो जी स्टार्ट आने वाला है, फिर जी स्टार्ट पे उतर के आपको वहाँ पे जबरदस्त वाली कुछ चीजें दिखाते हैं, और 2 घंटे लगभग लग जाते हैं इंटरलेकन से जी स्टार्ट आने में, बट इट्स वर्थ। और जब स्विस पास ले रखा हो तो डरना किस बात का, चढ़ जाओ ट्रेन में, जो दिखे चढ़ जाओ ट्रेन। हम लोग आ चुके हैं फाइनली 2 आवर्स के बाद जी स्टार्ट स्टेशन, और जिस ट्रेन में हम आए वो बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है व्यू। तो ये है लुजन इंटरलेकन मॉन्ट्रियो की गोल्डन पास ट्रेन, और आप देखिए कितनी जबरदस्त ट्रेन है ये। तो आरती चलो थोड़ा जी स्टार्ट आए, और कुछ भी कोई भी नहीं है हमारे अलावा, लगता नहीं है कि जी स्टार्ट में कोई उतरा है आरती, सिर्फ हम लोग हैं बाकी कोई नहीं है। तो अब ये ट्रेन भी चालू हो रही है और यहाँ पे कोई नहीं है, और ये वन ऑफ द मोस्ट है ना ब्यूटीफुल टाउन कहा जाता है, पर अच्छा है आरती कोई नहीं है क्यों। तो ये देखिए आप, ये है जी स्टार्ट, और अरे उस तरफ कैसे जाना है आरती अपने को, ओ लिफ्ट से नीचे जाना है, नहीं नहीं लिफ्ट के आगे सीढ़ी भी है। अरे बिल्कुल खाली है यार आरती, कितना सही, कॉस्टलीस्ट टाउन है ये व्यूअर्स। यहाँ पे होटल का जो प्राइस है वो शायद वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस रहता है। तो आरती चलो, और यहाँ पे शाहरुख खान और काजोल के जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग अपने विंटर्स को एंजॉय करने, जी स्टार्ट की विंटर्स बहुत खतरनाक है, हम अभी समर्स में, आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जितना भी ये दिख रहा है ना सब, अभी आपको हरा हरा सब ये दिख रहा है, वहाँ पीछे पहाड़ और ये सब, ये पूरा स्नो में कवर्ड रहता है। तो चलते हैं आरती, स्विट्जरलैंड फेमस है अपनी चॉकलेट्स के लिए और चीज़ के लिए, तो हमारे पीछे एक वेंडिंग मशीन पड़ी है, और वेंडिंग तरह तरह का चीज़ है इसमें। वैसे मेरे को और आरती को चीज़ पसंद आता नहीं है, आरती कुछ ज़्यादा ही सुनसान नहीं है। ये देखिए ब्यूटी, बिल्कुल शांत टाउन लग रहा है, मतलब हमारी आवाज के अलावा और किसी की आवाज आ भी नहीं रही होगी। ये भी कोई होटल लग रहा है, कॉस्टली होटल्स हैं। चलो नीचे चलते हैं आगे और देखते हैं। जी स्टार्ट सही में ब्यूटीफुल है, यहाँ पे जो शांति है ना आरती, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग मुंबई में रहते हैं तो इतना शोर शराबा सुनते हैं ना, अभी यहाँ पर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि शोर का है, सिर्फ मेरी आवाज ही में शायद लग रहा है मुझे सुनाई दे। और पूरे स्विट्जरलैंड में आप ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है जगह, बहुत ही खूबसूरत है और कॉस्टली भी है, और यहाँ पे क्यों लोग आते हैं अब सेलिब्रिटीज, वो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि उन लोगों को यूँ होता होगा कि प्राइवेसी चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा लाइफ में पीस चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा है ना व्यू दिखाता हूँ, और इतना जबरदस्त व्यू है, हम अभी है ना कुछ कदम चल कर आए। ये देखिए अब व्यू देखिए आप, अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी रील्स भी बनाई है आरती। हाँ, अभी दिखाते ना आगे। ये जो पूरी क्या कह सकते हैं इसे, सड़क, ये पूरी सड़क इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पे एक अलग ही लेवल का मजा आ रहा। तो ये है जी स्टार्ट, और यहाँ पे बहुत खतरनाक है ना, क्या कह सकते हैं उसे कि आरती, इट्स वेरी कॉस्टली, शोरूम्स और बहुत कुछ है। वेयर इट्स रेनिंग, अगर रेन हो गई तो बहुत वो हो जाएगा। ये देखिए, सो यहाँ पे आपको बहुत सारे
है ना, महंगे महंगे। अरे ब्रांड्स तो ऐसी ऐसी हैं यहाँ पे जो हमने कभी सुनी भी नहीं होंगी। हैं? नाउ व्हाट इज दिस? ओह इट्स सम ले। अच्छा ये ही बेकरी है ना? ये बेकरी की क्या है? पार्नेट कॉमेस्टिबल्स। एक तो वर्ड भी ऐसे ऐसे होते हैं। एडलर। सो दिस इज जी स्टार्ट एंड इट्स रियली हैपनिंग। है एकदम शांत और सब कुछ। तो लोग देखिए आप कैसे कैसे। दैट इज द बेकरी। अच्छा ये वो बेकरी है ना जहाँ शूट हुआ था DDLJ में। एक सीन यहाँ का भी है व्यूअर्स। तो यहाँ पे शायद काजोल इस बेकरी में आई थी, मतलब मुझे जो थोड़ा बहुत यूट्यूब से पता है, अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता। तो क्रेडिट स्विस भी है यहाँ पे, बहुत कुछ है। आरती नाइस। अच्छा ये सब बेकरी अर्ली बैक। सो ये पूरी जो रोड है ये ऐसी ही है। UBS यार क्या डिजाइन लगती है यार ये। ऐसे लगता है कि किसी ने पेंट करा है। ये हर एक घर की बालकनी में है ना। फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं यहाँ पे। देखो ये ऊपर एंड आई थिंक इट्स रेनिंग। आरती बोला ना मैंने रेनिंग जैसे बूंदेगी। सो अगर बरसात शुरू हुई वहां वाले फूल की डिजाइन देखो उधर की। वो भी कोई बैंक है बताने वाला हूँ जो आपको पीछे की तरफ दिख रही होगी ये वाली। ये वो होटल है जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे स्टे करते हैं। सैफ अली खान से लेके रणवीर कपूर और विराट कोहली से लेके अनुष्का शर्मा दिसंबर में वो लोग यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आते हैं। और बहुत कॉस्टली है बहुत। इसका क्या नाम है होटल जी स्टार्ट करके कुछ है इसका मुझे याद नहीं आ रहा। बाप रे आरती कुछ देखें खाने पीने मजा आ रहा है लिटरली। हमें ना हमारी आत्मा को और हमारे अपने आप को भी बहुत सुकून मिला है। ये कुछ एक दो बच्चे लोग जो ये फालतू की आवाज कर इतने सारे लोग साइकिल बहुत चलाते हैं ट्रैवल कर रहे ऐसे लगता है। साइकिल से भी ट्रैवल करते हैं और अब क्या कहें थोड़ी बरसात के छींटे आ रहे हैं छाँव में खड़े रहते हैं। यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं जो शोरूम्स हैं वो मतलब आई थिंक वर्ल्ड की कुछ ऐसी ब्रांड्स होंगी जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी। मॉन्क्लियर वहाँ पे देखिए आप सामने प्राडा और बहुत सारे कॉस्टली परफ्यूम की शॉप्स। सो मतलब एक बार आप आ सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। क्यों आरती अगर शॉर्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है हम तो आ गए। बट ये मेन रोड है जी स्टार्ट की। जैसे अभी आप ये सामने देख रहे हो गाय वाला तो ये जो नल निकल रहा है ये भी पानी पीने का ही है। वहाँ पे ऊपर क्लियरली लिखा रहता है और ये पूरा माउंटेन से आता है। ये देखिए प्राडा। इस तरफ भी बहुत सारे ब्रांड्स के वो हैं शॉप्स हैं आरती। अभी बारिश हो रही है तो स्मेल कितना मस्त आ रहा है। अरे यहाँ पे स्मेल है ना आरती। एक और चीज है ना मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ का स्मेल जो है वो अपने गाँव की मिट्टी की स्मेल नहीं आती वैसी स्मेल आ रही है। मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी स्मेल ली है जिसमें वो गाँव पे मिट्टी में जब वो पानी गिरता है तो डैम ब्यूटीफुल। और आप हम इसी सड़क से आए हैं अभी थोड़ी देर पहले और बहुत शांत है आज है बहुत मतलब एकदम पीस है। तो ये देखिए यहाँ पे हॉर्स कार्ट जिसपे आप पैसे दे के जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर हॉर्स कार्ट है। और अभी मैं और आरती यहाँ पे प्राडा के नीचे खड़े थे और ऐसे ही हम नीचे खड़े खड़े ये है ना मॉडल है कोई उसके ऊपर इन्होंने कुछ शूज़ और जैकेट पहना है। आप प्राइजेस देखिए क्यों ये अमीरों का टाउन कहा जाता है। शूज़ देखिए
स्विस फ्रैंक मतलब 80,000 का, जैकेट 2,000 स्विस फ्रैंक्स के आसपास, लगभग 1,60,000 का। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे क्यों टाउन को ज़्यादा महंगा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते भी वैसे ही हैं, हैं? तो ऐसी जगहों पे अमीर लोगों की चॉइस तो हमेशा हाई होगी। तो अभी हम थोड़ा वापस रिटर्न जा रहे हैं, वो हम बेकरी पे जाके कुछ देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो कुछ हम ट्राई करेंगे, है ना आरती? पानी भर रहे हैं वापस से? अच्छा है, चिल चिल पानी है, पर पी सकते हैं। तो अभी मैं और आरती एक मैंगो रेस्टोरेंट करके है जी स्टार्ट में, वहाँ आए हैं और हमने एक कॉफ़ी और एक मसाला टी ऑर्डर करी यहाँ पे, जो कि, और यहाँ सामने हम ऐसे ही देख रहे थे, स्क्रीन लगी हुई है, तो इस स्क्रीन पे जितनी भी फिल्म्स का यहाँ जी स्टार्ट में शूट हुआ है, उन सारी फिल्मों के गाने और कुछ सीन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन कुजिन्स मिलेंगे। तो आरती कॉफ़ी पी रही है, मैं गरम गरमा चाय लेने वाला हूँ। या थैंक यू। हम लोग है ना इस जगह पे गए थे, यहाँ पे एक मैंगो रेस्टोरेंट करके है, तो वहाँ पे हमने चाय और कॉफ़ी पी और वहाँ पे बहुत सारा इंडियन फूड था, इंडियन फूड बहुत सारा था। करूँगा कि आप अगर स्विस में कहीं पे भी, स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी विजिट कर रहे हो और अगर आप फैमिली के साथ हैं ना, यहाँ पे खाना खाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका एक हफ्ते का बिल दो लोगों का कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये बनेगा, उससे भी ज़्यादा बन सकता है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ। अभी हमने जो कॉफ़ी और चाय पी वो भी लिटरली 10 फ्रेंक्स की थी, 10 स्विस फ्रेंक्स मीन्स लगभग 800 रुपये की। जी स्टार्ट घूम चुके हैं और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं है ना आज के दिन जितना चला हूँ ना, मेरी घड़ी पे जो स्टेप्स हैं वो लगभग 16,000 स्टेप्स हो चुके हैं, तो अच्छी बात है। हम लोग कल रात से जो निकले हुए हैं, हाँ चल ही रहे हैं, और आज तो हम रेस्ट भी करेंगे। तो अभी हमारे है ना क्या है कि अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है 6:45 और यहाँ से क्या जी स्टार्ट से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन हर एक घंटे में ही है इंटरलेकन के लिए, तो हम अभी जिस रूट से आए थे तो 7:25 की यहाँ से ट्रेन है, तो हम 7:25 पे शुरू करेंगे यहाँ से, वही विमन जाएंगे, फिर स्पिन्स करके जगह है वहाँ जाएंगे, और लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास का पूरा ये टूर रहने वाला है। तो अभी हम थोड़ा और यहाँ पे वॉक कर लेते हैं, थोड़ा बैठ के अब चिल आउट करते हैं, बहुत हमने फ़ोटोज़ खींच ली, बहुत अब ब्लॉग हो गया, अब बस शांति से बैठते हैं, बातें करते हैं, घर वालों से भी हमने बात कर ली बीच में इधर उधर व्हाट्सएप करके। और हाँ, सिम का तो बहुत फ़ायदा होता है आरती, मैं इसको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ और मैं खुद भी सिम यूज़ कर रहा हूँ, और अनलिमिटेड है डेटा, यूज़ करो धमा के। 26 फ्रेंक्स में 8 दिन के लिए आपको मिल रहा है, और क्या क्या जबरदस्त एकदम, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी, बारिश थोड़ी सी हो रही थी तो रुक गई अभी, और यहाँ पे अभी टेम्परेचर है 18 डिग्री, और आपको ऐसे कोई स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं है, बट जबरदस्त हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यू विल फील वेरी कोजी, सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हमें तो यहाँ का बस है ना ये सब जो सीनरी है वो देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों आरती? बहुत ही मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप स्विट्जरलैंड में आते हो। सपोज यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं आरती, तो आना चाहिए, अगर आपको कभी मौका मिले तो आइए। और मतलब लिटरली मैं और आरती ने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, हमने आज से साल भर पहले हम एक गाना देख रहे थे, कौन सा गाना था वो, नहीं गाना नहीं, एक्चुअली है ना सैफ अली खान और करीना कपूर है ना यहाँ आए थे दिसंबर के न्यू ईयर मनाने, और उस समय शायद है ना विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी इधर ही आए थे, तो हमने उनकी कोई इंस्टाग्राम पे फोटो देखी थी, तब हमने पहली बार जी स्टार्ट नाम सुना था, और बाद में हमने वीडियो देखे तो हमने कभी सोचा नहीं था एक साल पहले कि हम इस जगह पर होंगे। हमारा लिटरली प्लान 2 महीने में ऐसा हो चुका है, मतलब मैं और विनीत बैठे थे चेयर पे, विनीत बोले तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना था ना तुम्हारा ड्रीम, बैठे बैठे ही एकदम से हो गया कि नहीं स्विट्जरलैंड जाना, तो अचानक से, और 2 महीने में हमने सब प्रिपरेशन किया। हमारे 2020 में जो सिंगापुर ट्रिप का हुआ था उसके बाद थोड़ा डर बैठ गया था, पर हमने इस बार जाना ही है। 2020 में अभी हम सिंगापुर जाने वाले थे, तो सिंगापुर जाने के वक्त बुकिंग सब हो गई थी और एकदम से कोरोना आ गया और हमारा सब कैंसिल हो गया, बहुत मुश्किल से हमने सब रिकवर करे वो वाला अमाउंट चाहे एयरलाइंस का। तो अभी हम यहाँ से थोड़ी देर एंजॉय करके आपको है ना जस्ट थोड़ा 1-2 मिनट और ये ब्लॉग दिखाएंगे और फिनिश करेंगे इस ब्लॉग को, क्योंकि यहाँ पे स्विट्जरलैंड में तो अभी बस शुरुआत हुई है, जलवा तो अभी और बाकी है। कल तो हम एक नई जगह पे जाने वाले हैं जो इंटरलेकन के नहीं है, इंटरलेकन के बहुत दूर है,
तो हमने पूरा शेड्यूल कर रखा है, इटनरी हमारी पूरा पूरी सेट है। तो चलो आगे और देख लेते हैं और फिर आपको टाटा बाय बाय करेंगे। तो व्यूअर्स, इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो आज का हमारा दिन जब हम स्विट्ज़रलैंड आए और यहाँ जी स्टार्ट आए, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग अभी इस स्टेशन पे, जी स्टार्ट के स्टेशन पे हम दोनों अकेले खड़े हैं। अभी इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है, ये वाले प्लेटफॉर्म पे। और आप देखिए, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। तो वी आर वेटिंग कि ट्रेन कब आएगी। और आप देख सकते हैं अभी 7:15 होने आए शाम के, पर अभी तक हाँ उजाला है। हम जब तक पहुंचेंगे लगभग 9:30 बजे तक इंटरलेकन, तब तक भी उजाला रहेगा। तो और ठंड बहुत है यहाँ पे, मतलब हवा ठंडी हो गई है क्योंकि बरसात हुई है इसलिए। और आप वो देख रहे होंगे बादल वो सारे। तो यहाँ पर बाय बाय, हम पकड़ते हैं ट्रेन। अभी इसी रूट, इस रूट पे वही ट्रेन चलती है जो हमने आपको बताई थी। हाँ, पहले गोल्डन पास। तो जिन ट्रेनों से हम आए उन्हीं ट्रेनों से हम वापस जाएंगे और एंजॉय करते हैं अब हमारे सफर को, अब रेस्ट करते हैं। आपसे कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन बाय।